शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ने के साथ ही इंटकवेल में झिल्ली, रेत, पन्ने इत्यादि फंसने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके चलते दुर्ग शहर में प्रभावित हुई पानी सप्लाई को बहाल करने निगम अमला इंटकवेल में फंसे कचरे को हटाने में लगा हुआ है। बारिश के चलते इन दिनों शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है। साथ ही पुलगांव नाला से बहकर आने वाली जलकुंभी के साथ ही झिल्ली, रेत, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों के कारण इंटकवेल के आसपास कचरा इकट्ठा होने के कारण इंटकवेल में फंसता चला जा रहा है, जिसके चलते शहर में पानी सप्लाई प्रभावित हो रही है। वही नगर पालिका निगम जल विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ा है। इंटकवेल के आसपास झिल्ली, पानी, रेत जमा होने के कारण मोटर पंप सप्लाई बार बार बंद हो जा रही है, जिससे पानी शहर में प्रभावित हो रहा है। वहीं नगर निगम का पूरा अमला इंटकवेल की सफाई में जुटा हुआ है, लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में नागरिकों को असुविधा के लिए महापौर धीरज बाकलीवाल, आयुक्त प्रकाश सर्वे व जल कार्य प्रभारी संजय कोहले ने आम नागरिकों से अपील की है कि प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से जल प्रदाय किया जाएगा। इस संबंध में मीडिया ने जब चर्चा करना चाही तो सभी मुख बने बैठे रहे। शहर के स्थानीय नागरिक ने न्यूज टीम को इस तरह की प्रतिक्रिया दी। नदी में दुर्ग जिले में, और मगर फिर भी इसके बाद भी जो जलकुंभी और झिल्ली पन्नी फंस जा रही है, मोटर पंप का शिकायत आ रहा है, उसके कारण आम नागरिकों को परेशानी हो रही है। नल बराबर खुल नहीं पा रहा है, जिससे आम नागरिक परेशान है। तो निगम की इसमें घोर लापरवाही है, निगम इस ओर ध्यान दे। जिस तरह से शहर के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराए जाने की बात दुर्ग नगर निगम द्वारा लगातार की जाती रही है, जिसका आज धरातल में मंजर कुछ और ही अलग नजर आ रहा है। लबालब पानी भरे शिवनाथ नदी के बाद भी दुर्ग की जनता पानी के लिए परेशान हो रही है। अब देखना होगा दुर्ग नगर निगम इस दिशा में किस तरह के व्यापक कदम उठाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।